Good morning student, myself Chirag Sukani and I am going to teach you financial management subject and we will continue our chapter that is dividend policy in that 17 number sum. The cost of capital and the rate of return on investment of VIHA Limited is 10% and 15% respectively. Cost of capital and KE kitna? 10%. Rate of return on investment are 15% respectively. Clear? Now, the company has 10 lakh equity share. 10 lakh equity share of 10 each of rupees 10 each outstanding. Okay? It means number of equity share. Okay, sorry, equity capital is given. Equity capital, kitna? 10 lakhs of price rupees 10 each. Clear? To usse hum logo ko kya milega? Usse hum logo ko milega number of share, number of equity share milega. That is equity capital divided by price. Clear? So 10 lakh divided by 10. So number of share kitna aega? 1 lakh shares aayenge. Clear? Then its earning per share of rupees 5, yani EPS is given. EPS rupees 5 is given. Now कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म. आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू. आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू. वैल्यू ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल. कौन सा सिचुएशन? और आपको पता है ना कि वैल्यू, वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एनपीओ. हम लोग ने देखा है ना वैल्यू कैसे मिलता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस से वैल्यू मिलता है. अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्टर मॉडल यूज करना है. वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वॉल्टर मॉडल यूज करना है. यहां पे थोड़ा डिफरेंट है जो हम लोग ने आगे सम्स किया. ध्यान देना, वॉल्टर मॉडल से वैल्यू फाइंड आउट करना है इन फॉलोइंग सिचुएशन. सिचुएशन वन 100% रिटेंशन, सिचुएशन टू 50% रिटेंशन एंड थर्ड नो रिटेंशन. चलो फर्स्ट हम लोग लेते हैं. फर्स्ट 100% रिटेंशन. याद रखना वॉल्टर मॉडल यूज करना है. एंड वॉल्टर मॉडल में रिटेंशन ज्यादा यूज नहीं होता है, बट क्या यूज होगा? पे आउट. सो इफ देर इज 100% रिटेंशन, इफ देर इज 100% रिटेंशन, तो व्हाट इज पे आउट? 100% रिटेंशन, सो पे आउट रेशियो इज व्हाट? 0%. तो वो याद रखना आपको. ओके, वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला क्या है? P0 इज व्हाट? डी प्लस R upon K into bracket E minus D upon KE. है ना? चलो dividend payout 0. So dividend always calculated on EPS. So EPS कितना है? 5 into 0% है, तो dividend क्या बन जाएगा? 0. So D0 plus R 15% है, यानी 0.15. KE 10% है, यानी 0.10. E 5 रुपीज, डी 0 डिवाइडेड बाय 0.10. सो 0 का 0 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 दैट इज 1.5 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 0 5 डिवाइडेड बाय 0.10. सो 0 का 0 प्लस 1.5 इंटू 5 दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 0.10. So 0 plus 7.5, 7.5 divided by 0.10. So आपका price कितना आया? ₹75. Okay, अभी आपका answer over नहीं हुआ. आपको क्या पूछा? ये तो price of the share आया, but आपको क्या पूछा? Value of the firm पूछा. According to 100% retention, according to Walter model, if there is 100% retention, so value कैसे मिलेगा? वैल्यू इज वॉट? एनपीओ, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस. सो नंबर ऑफ शेयर हम लोग ने फाइंड आउट किया आगे 1 लाख.
एंड प्राइस अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया 75 रुपीज, सो वैल्यू कितना आएगा 75 लाख रुपीज आएगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर दोगे आपका आंसर सही नहीं बोला जाएगा, ये तो प्राइस आया और आपको सम्स में क्या पूछा, वैल्यू पूछा है। ओके तो ये सम्स में खाले यही डिफरेंट था, बाकी सब सेम जो हम लोग ने आगे सब सम्स किया ना वही है, क्लियर। चलो सेकंड सिचुएशन कौन सा है, 50% रिटेंशन है। सेकंड सिचुएशन 50% रिटेंशन। नाउ इफ देयर इज 50% रिटेंशन सो व्हाट विल बी द पे आउट, 50% इज रिटेंशन सो पे आउट इज व्हाट 50%, क्लियर। सो प्राइस ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के, क्लियर। नाउ डिविडेंड ऑलवेज किससे मिलता है, ईपीएस पे, सो ईपीएस 5 और डिविडेंड पे आउट 50% तो क्या आएगा 2.5, सो डी 2.5 प्लस आर 15% के 0.105 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.10 बराबर। अभी आपका बस प्लस माइनस अच्छे से करते रहना है, सो 1.5 2.5 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 2.5 प्लस 3.75 डिवाइडेड बाय 0.10 तो 6.25 डिवाइडेड बाय 0.10, सो आपका आंसर आया 62.5 रुपीस। ये क्या आया प्राइस, तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज व्हाट एनपीओ, सो नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, प्राइस 62.5, सो व्हाट इज वैल्यू रुपीस 62 लाख 50 थाउजेंड। क्लियर, मल्टीप्लाई। एंड थर्ड में नो रिटेंशन का मतलब क्या होता है, 0% इज रिटेंशन, देयरफॉर पे आउट क्या होगा, कुछ रखा ही नहीं तो सब पे कर दिया, सो पे आउट क्या बन जाएगा 100%, क्लियर। सो प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट, डी प्लस आर अपॉन के इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के, ओके सो डी क्या बनेगा, डी इज व्हाट 5 × 100%, सो डी इज व्हाट 5, सो डी 5 प्लस आर 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 ई 5 माइनस डी 5 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 5 का 5 प्लस 1.5 आएगा इंटू ब्रैकेट 0.10, सो 5 का 5 प्लस 0 हो जाएगा ना डिवाइडेड बाय 0.10, सो 5 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू व्हाट ₹50, सो प्राइस आ गया। सो वैल्यू कैसे मिलेगा, एनपीओ 1 लाख इंटू 50, सो आपका आंसर क्या आएगा 50 लाख रुपीस। आया समझ में, तो ये सम्स में खाली वैल्यू डिटरमाइन करना था विद द हेल्प ऑफ एनपीओ, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस, बाकी जो आप सम्स करते थे ना वैसा ही था। एंड ये सम्स में रिटेंशन रेशियो दिया था, बट हम लोग को वॉल्टर मॉडल में पे आउट रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बी, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो लास्ट सम, हमारे चैप्टर का एंड होगा लास्ट सम, 18 नंबर सम। नाउ पढ़ो, द फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, अर्निंग ऑफ फर्म 18 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो so as to keep the share price at ₹42 by using Walter model। आपको क्या पूछा, what should be dividend payout ratio, यानी DP ratio find out करना है, अगर price of the share 42 है by using Walter model question mark, also determine the optimum dividend payout ratio,
ये करने के बाद ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो डिटरमाइन करना है. देन अनदर डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम डीपी रेशियो. देन आफ्टर पे आउट रेशियो पे प्राइस कैलकुलेट करनी है. देन व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल. यानी एक सम्स में कुछ चार से पांच क्वेश्चन दे दिया है. ध्यान देना इजी है, खाली थोड़ा समझना था. क्लियर? नाउ इन दिस सम अर्निंग इज गिवन, है ना, अर्निंग दिया है 18 लाख. देन आफ्टर नंबर ऑफ शेयर इज गिवन, दैट इज एन इज गिवन, 3 लाख शेयर. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आर इज गिवन 22.5% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के इज गिवन 15%. क्लियर? अभी आपको क्या पूछा, व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी आपको क्वेश्चन पूछा डीपी रेशियो कितना है, व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल. यानी आपको वॉल्टर मॉडल यूज करना है एंड वॉल्टर मॉडल से प्राइस दे दिया 42. ओके, तो अगर आप प्राइस 42 रखोगे तो आपका डीपी रेशियो क्या आएगा, यह आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे, तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला डालेंगे. सो P0 इज व्हाट, डी प्लस आर अपॉन के इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के. क्लियर ना? P0 तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, P0 तो दे दिया सम्स में प्राइस 42. फाइंड आउट क्या करना है, डी. ना एज्यूम डी इज व्हाट एक्स, एज्यूम डी इज व्हाट एक्स, सो डी को हम लोग एक्स एज्यूम करें, प्लस आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 22.5 यानी 0.225% है, डिवाइडेड बाई के 0.15 ई. ओके, हम लोग ने ईपीएस नहीं फाइंड आउट किया, चलिए यहाँ पे ईपीएस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ईपीएस इज व्हाट, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. क्लियर? अर्निंग कितना है, 18 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 3 लाख. सो आपका ईपीएस कितना आएगा, ₹6. क्लियर? सो ई क्या होगा, 6 माइनस डी तो फाइंड आउट करना है एक्स, डिवाइडेड बाई के 0.15. ओके, नाउ 42 का 42, एक्स का एक्स, प्लस नाउ 0.225 डिवाइडेड बाई 0.15, तो 1.5 आंसर आएगा, इंटू ब्रैकेट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0.15. क्लियर? नाउ 42, ये 0.15 ऊपर चला जाएगा, सो 42 इंटू 0.15 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का एक्स, प्लस 1.5 इंटू 6 9, प्लस माइनस माइनस 1.5 इंटू एक्स 1.5x. ओके, सो प्लस माइनस को संभालना है आपको, कि क्या किया हम लोग ने, 42 0.15 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, सो 42 इंटू 0.15 इज इक्वल टू एक्स का एक्स, प्लस नाउ ये सॉल्व करना है 1.5 इंटू 6 प्लस 9 एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज 1.5x. आया समझ में यहां तक? नाउ 42 इंटू 0.15 क्या आएगा, 42 इंटू 0.15 6.3 आएगा, इज इक्वल टू, नाउ देखो ये एक्स प्लस 9 माइनस 1.5x है. ओके, सो 9 का 9 हो जाएगा, यहां पे 9 का 9. क्लियर? नाउ प्लस एक्स माइनस 1.5x, यानी 1x प्लस है और माइनस 1.5x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.5x आ जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ देयरफॉर
6.3 ये प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.5x हो जाएगा. क्लियर. नाउ 6.3 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 2.7 इज इक्वल टू माइनस 0.5x. क्लियर. अभी आपका डिवीजन माइनस 2.7 सो ये नीचे आएगा तो माइनस 0.5 इज इक्वल टू एक्स. क्लियर. ना माइनस माइनस कैंसल एंड 2.7 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.4 इज इक्वल टू एक्स. ओके दैट मींस आपका डिविडेंड का अमाउंट कितना आया 5.4 रुपीस आया. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ आपको सम्स में क्या पूछा व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है. आपको अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं पूछा आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है तो हम लोग को डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके सो डीपी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखना है कि कंपनी ने ईपीएस कितना अर्न किया 6 ना उसके ऊपर कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया 5.4 सो 100 पे हाउ मच. क्लियर. सो 5.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90% डिविडेंड पे आउट रेशियो किया. देयरफॉर डीपी रेशियो इज व्हाट 90%. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ. अभी तो व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप शेयर प्राइस एट रुपीज 42 बाई यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल. यहां तक क्लियर. नाउ क्वेश्चन मार्क के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. नाउ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे डिटरमाइन करेंगे बाई कंपेयरिंग आर एन के. क्लियर. सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो डिटरमाइन करना है और उसके बाद क्या करना है डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. ओके सो आपको क्या करना पड़ेगा कंपेयर. सो हियर आर इज ग्रेटर देन के है दिख रहा है ना आर इज ग्रेटर देन के दैट इज 22.5% इज ग्रेटर देन 15%. सो इट इज अ केस ऑफ विच फर्म सो इट इज द केस ऑफ ग्रोइंग फर्म. आपको पता है ये सब. सो इट इज अ केस ऑफ ग्रोइंग फर्म. दस ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है दस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 0%. क्लियर. सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. सो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस एट द रेट ऑफ 0% पे आउट पे. क्लियर. सो फॉर्मूला तो आपको पता है डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के. क्लियर. नाउ पे आउट रेशियो 0%. सो डी क्या होगा ईपीएस कितना है 6 का 0% तो डी 0. सो 0 प्लस आर 0.225 के 0.15 ई 6 माइनस डी 0 डिवाइडेड बाय 0.15. सो 0 प्लस 1.5 इंटू ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 0.15. सो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 0.15. सो 9 डिवाइडेड बाय 0.15 हो जाएगा. सो आपका आंसर आएगा ₹60. क्लियर. अभी आप देखो ये आपका ऑप्टिमम सही हुआ या गलत हुआ. अभी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% है तो 0% पे प्राइस कितना आया ₹60 आया ना ₹60. अभी आपके सम्स में कितना प्राइस आया था दिया था 42. आपको आपके सम्स में कितना दिया था 42 और वो टाइम पे आउट रेशियो क्या आया था 90%. ओके तो वो ऑप्टिमम नहीं है तो ये ग्रोइंग फर्म है एंड ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए 0% एंड 0% पे हमारा प्राइस क्या आया 60. ओके सो हमारा आंसर भी सही हो गया. ओके बिकॉज ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे प्राइस मैक्सिमम आया. अभी भी आंसर बाकी है. अभी क्या पूछा
व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल, यानी आपका बेस्ड ऑन दिस वॉल्टर मॉडल आपको पूछा कि मिनिमम प्राइस क्या होगी एंड मैक्सिमम प्राइस क्या होगी. ओके हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिनिमम प्राइस. सो हियर नेक्स्ट आंसर मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल. ओके ना मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल कहाँ पे आएगा. मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल, मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल एट डीपी रेशियो ऑफ 100% पे आएगा. ओके मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल एट डीपी रेशियो ऑफ 100% पे आएगा बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग फर्म है. ओके सो 0% पे मैक्सिमम आएगा तो जितना पे आउट बढ़ाते जाएंगे प्राइस कम होती जाएगी एंड 100% पे सबसे मिनिमम प्राइस आएगी. तो कंक्लूजन बेस्ड आंसर है. सो मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल एट डीपी रेशियो ऑफ 100% बिकॉज इट इज अ केस ऑफ ग्रोइंग फर्म. सो हम लोग टैली भी कर लेते हैं. चलो प्राइस कैलकुलेट करेंगे. प्राइस एट द रेट ऑफ 100% पे आउट पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लियर. सो पी जीरो इज व्हाट डी प्लस आर अपन के ई माइनस डी अपन के. क्लियर ना 100% पे आउट. सो डी क्या बनेगा 6 × 100% तो 6 आएगा. सो डी इज व्हाट 6 आर 0.225 के 0.15 ई 6 डी 6 डिवाइडेड बाय 0.15 तो 6 का 6 डिवीजन करेंगे तो 1.5 6 में से 6 माइनस किया तो 0.15 6 प्लस 1.5 इंटू 0 0 हो जाएगा 0.15 सो 6 डिवाइडेड बाय 0.15 तो आपका आंसर क्या आया 40. अभी आप देखो ऑप्टिमम पे प्राइस कितना आया 60 रुपीज. 90% पे प्राइस 42 एंड 100% पे सबसे लो प्राइस आया दैट इज रुपीज 40. तो ये हमारा मिनिमम प्राइस आया. ये कहां पे आया मिनिमम. अभी आपको यही सम्स में मैक्सिमम प्राइस भी पूछा है. ओके सो मैक्सिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल एट विच पे आउट एट डीपी रेशियो ऑफ 0% आया. समझ में 0% पे मैक्सिमम आएगा बिकॉज इट इज द ग्रोइंग फर्म. ओके सो मैक्सिमम प्राइस 0% पे आएगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ ग्रोइंग फर्म एंड प्राइस एट द रेट ऑफ 0% पे कितना आया तो हम लोग ने कैलकुलेट भी कर लिया आगे कितना आया था ₹60. ओके तो ये सम्स में कुछ 4 से 5 अंदर क्वेश्चन पूछे थे. सो समझ के आपको ये करना था. आ गया समझ में. सो ये सम्स में क्या हुआ हम लोग ने मेन क्या किया ये सम्स में आपको डीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला था. ये सम्स में आपको डीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला था तो हम लोग ने वॉल्टर फॉर्मूला में डाला एंड डिविडेंड को एक्स एज्यूम किया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन हमारा डिविडेंड का अमाउंट 5.4 आया. बट आपको तो डीपी रेशियो पूछा. सो 6 रुपीज़ पे 5.4 डिविडेंड आया तो 100 पे कितना आएगा. सो 90% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आया. फिर बाद में आपको पूछा कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए तो हम लोग ने कंपेयर किया आर एन के ई के साथ तो ग्रोइंग फॉर्म बना तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए एंड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला तो प्राइस क्या आया 60 रुपीज. देन आफ्टर पूछा मिनिमम प्राइस अंडर दिस मॉडल में मिनिमम प्राइस कहाँ पे आएगा. सो मिनिमम प्राइस 100% पे आउट पे आएगा बिकॉज ये ग्रोइंग फर्म है तो ग्रोइंग फर्म में जितना पे आउट बढ़ाते जाएंगे प्राइस कम होती जाएगी एंड मिनिमम प्राइस आई ₹40. ओके एंड मैक्सिमम प्राइस कहाँ पे आएगी 0% पे आउट बिकॉज ये ग्रोइंग फर्म है एंड प्राइस मैक्सिमम आया 60. क्लियर. सो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है. बाय टेक केयर.